हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूजी का केक बनाना सिखाऊंगी। सूजी का केक बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं यहाँ ये आधा कप मैंने ये दही लिया है, इसको डाल लूंगी। और इसी कप से मैंने मेजर करके शुगर रखी हुई थी, तो शुगर डालूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये पिसी हुई शुगर है, इसको मैं आधा कप लिया है और डाल लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मीठा कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूंगी, दही और शुगर को अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दही और शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ये मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, बट याद रखिएगा आप इसमें मस्टर्ड ऑयल मत डालिए, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का जो फ्लेवर होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है और आपके केक में स्मेल आएगी। तो मस्टर्ड ऑयल हम ना यूज करें, साधारण जो वेजिटेबल ऑयल सनफ्लावर ऑयल होता है वो यूज करें, या फिर आप इसमें बटर यूज कर सकते हैं। तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने 1 कप सूजी ली हुई है, इसको भी मैं डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ मैंने ये बारीक वाली सूजी ली है, अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं हो तो आप मिक्सी में सूजी को पीस लीजिए और हम इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सो फ्रेंड्स, हमारी सूजी भी मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पर ये वेनिला एसेंस लिया है, इसकी मैं 3-4 ड्रॉप डाल दूंगी। तो ये मैंने 3-4 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस की ली है, इसको भी मैं डाल दूंगी और अब मैं इन सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी। वेनिला एसेंस से काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है केक में, तो इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, दूध डाल लेंगे और एक बार इसको और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध डाल के भी हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस मिक्सचर को ढक के रख देंगे, 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि सूजी फूलती है। तो 15 मिनट बाद हम देखते हैं कि सूजी हमारी फूलकर कैसी हो गई है। सो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए, अब हम हटा के देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी सूजी काफी फूल गई है और अब हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। तो 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और यहाँ मैंने दूसरी तरफ 1/4 चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग सोडा लिया है खाने वाला, दोनों डाल देंगे और हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देख रहे हैं, जो हमारा बैटर है काफी थिक हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा दूध और मिला लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो जो हमारा ये बैटर है फ्रेंड्स, ना ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। तो ये देखिए, अब ये जो हमारा बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा ये पतला है। अब हम चलिए इसको टिन में डालते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने ये टिन लिया है और अब मैं इसको तेल से हर तरफ से ग्रीस कर लूंगी, ताकि जब हम इसको निकालें केक को, तो ये केक हमारा आसानी से निकल जाए। तो अब हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये मैंने एप्रिकॉट लिए हैं, ये मैंने वॉलनट लिए हैं और कुछ मैंने रेजिन लिए हैं, किशमिश लिए हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ नीचे डाल देंगे इस तरह से और अब हम अपने बैटर को इसमें डाल देंगे।
तो ये देखिए हमने बैटर को डाल दिया है अपना। तो फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर भी अपने ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, बट यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, तो ड्राई फ्रूट हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा रहता है और बच्चे भी इसको आराम से खा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने डाल दिया है, अब हम इसको बेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको बेक इडली के स्टैंड में करूंगी। आप चाहें तो आप कुकर में नमक डाल लें और उसके ऊपर स्टैंड लगाकर इसको बेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इडली स्टैंड में बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक कप एक गिलास में पानी डाल लिया है। सो फ्रेंड इसमें मैंने ये स्टैंड रख दिया है, डायरेक्ट नहीं रखे आप स्टैंड के ऊपर रखें। और अब मैं अपने टिन को इसमें रख दूंगी, ये देखिए, और अब मैं इसको ढक दूंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसका ढक्कन लगा दिया। अब हम धीमी गैस पर 30 मिनट के लिए इसको होने देंगे और बीच बीच में आप चाकू की मदद से चेक करते रहिए कि आपका जो केक है ये चिपक तो नहीं रहा है। सो फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इस कुकर को खोल के देखते हैं कि हमारा केक हुआ या नहीं। तो ये देखिए अंदर से ये इस तरह का है, और अब मैं इसमें चाकू डाल के देखती हूँ। तो ये देखिए चाकू पे कहीं ये लगा नहीं है, इसका मतलब हमारा केक हो चुका है। और अब हम गैस बंद कर लेंगे और इस केक को निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम इसको डिमोल्ड करेंगे और हम यहाँ साइड से इस तरह से चाकू को कर लेंगे ताकि हमारा केक आराम से ये निकल जाए। चारों तरफ से हम इस तरह से कर लेंगे और अब हम एक प्लेट इसके ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इस प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे और अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और इसको हम डैब डैब करेंगे ताकि हमारा आराम से ये निकल जाए। तो फ्रेंड्स अब हम इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, और हम एक प्लेट और रखेंगे। अब तो फ्रेंड्स अब हम एक प्लेट और रख लेंगे और इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे और हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी, ये मैंने गुलाब की ड्राई लीव्स थी इनको इस तरह से इसकी कर दिया है। और अब हम इस केक को काट के देखते हैं कि ये केक हमारा कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा केक आसानी से निकल आया और काफी फ्लफी बना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी केक की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।